दुर्जन सिंह को बादल सिंह का प्रणाम स्वीकारो। आइए बादल सिंह आइए, ये दुर्जन सिंह की घाटी में किस लिए और कैसे आपका आगमन हुआ? ये मेरा दोस्त डाकू दुर्जन सिंह, ये झाठू दुर्जन सिंह, डाकू दुर्जन सिंह भैया। राम राम। राम राम। ओ ठीक हो? हाँ ठीक है। कहीं आपको हाथ जोड़ी तो है, एक काम हमारो कह दिए, एक हमारा दुश्मन है। कौन सा काम करवाना चाहता है? एक हमारा दुश्मन है, खाली एक दिन औतो ओके भैंस खोल लो तो। कहिए बादल सिंह, किस लिए आए हो इतना उदास? क्या बात है? दोस्त दुर्जन सिंह, हमारी उदासी जो देख रहे हो, उदासी का कारण है। क्या कारण है? और मैं आज तुमसे जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं कि हमारी उदासी का कारण क्या है? अरे दुर्जन सिंह मेरा करो एक काम, दुर्जन सिंह मेरा करो एक काम, मुँह मांगा दूंगा इनाम। जेल से आया भाग कर वो राजेश कमीना, जेल से आया भाग कर वो राजेश कमीना, उस कुत्ते ने कर दिया है मुश्किल मेरा जीना, पकड़ कर उसको करो गिरफ्तार, पकड़ कर उसको करो गिरफ्तार, मुँह मांगा दूंगा इनाम। यानी कि हमें राजेश को गिरफ्तार करके अपनी घाटी में लाना है। हाँ दोस्त, उस हरामजादे ने मेरी नाम पे दब कर रखा है, मेरा जीना हराम कर दिया है। दोस्त, अगर मैं राजेश को पकड़ कर लाया और घाटी में उसका नाम और निशान मिटा दूंगा तो हमें क्या फायदा होगा? जो कहोगे मैं कीमत वो दे दूंगा। कीमत सोच लो बादल सिंह, हम कुछ भी मांग सकते हैं। क्या मांग सकते हो दुर्जन सिंह, बोलो क्या चाहिए? तुम्हारा काम तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा। दोस्त दुर्जन सिंह, अपना मुंह खोलो, जो मांगोगे मैं वो दूंगा। तो काम तो हो जाए तत्काल, काम तो हो जाए तत्काल, मगर कुछ सुन मेरा अहवाल। के खून खराबा रात दिन करना मेरा काम, खून खराबा रात दिन करना मेरा काम, आज ही राजेश का मैं कर दूं काम तमाम, और कर अपने घर में ससुराल, कर अपने घर में ससुराल, काम तो हो जाए तत्काल। कर दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी बहन के साथ हमारी शादी करना पड़ेगा। इसका मतलब तुम राजेश को अरेस्ट करोगे, उसके बदले में मैं अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथों में दे दूं। ठीक है दोस्त दुर्जन सिंह, मुझे ये तुम्हारी शर्त मंजूर है। जिस वक्त तुम राजेश को गिरफ्तार करोगे, मैं वादा करता हूं कि अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथों में दूंगा। बादल सिंह, ये दुर्जन सिंह वादा करता है 24 घंटे के अंदर राजेश हमारे कब्जे में होगा। तो ठीक है,
काम अच्छे तरीके से याद रखना दोस्तों, और वादा याद रखना बादल से, काम जो मैं चाहूंगा और इनाम तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। मैं राजेश के गिरफ्तार होने का इंतजार करूंगा। चल राजेश को मैं पकड़ूंगा ही नहीं, और पकड़ने के बाद वो शराब जादे को मौत के नेल सुला दूंगा। फिर वो हसीना उसके साथ अपनी शादी करूंगा, उसके बाद गुफे नंबर 9 में गोल्डन ना। लेकिन वो भगा हुआ कैदी है, उसको पुलिस ढूंढ रही है। अब मैं कैसे उसको पकड़ूं? आइडिया, उसकी वो जो माशूका है गुड़िया, अगर गुड़िया को पहले अपने कब्जे में कर लेता हो तो वो हराम ज्यादा राजेश खुद ना खुद दौड़ता हुआ चला आएगा। अब चलो गुड़िया को ढूंढता हूँ और फिर उससे पूछता हूँ, क्योंकि इसी से कहता हूं कि कहा कबीर सुनो और साधो, बात करूं मैं खरी कि ये दुनिया है एक नंबरी तो हम हैं 10 नंबरी। कंधा नहीं लेना, नहीं तो मिट्टी में मिला दूंगा। वाह भैया वाह, क्या करने जा रहे हो? मेरी शादी एक डाकू के साथ, चलो ये बात राजेश से बताती हूँ। अरे मेरी वो तलाशी वाली मंजिल खत्म हो गई, जिसकी मुझे ढूंढ थी, जिसे मैं ढूंढ रहा था, वो तो हमारे सामने खड़ी है। और बता गुड़िया तेरा और कहाँ है दीवाना, ये बता गुड़िया तेरा। और तेरी मौत तुझको दिया है बुलावा, तेरी मौत तुझको, तेरी मौत तुझको दिया है बुलावा, करने के लिए आया है। और जिस राजेश को तो समझती है अपना, वो जिस राजेश को और समझती है।
उसे तेरी आंखों से कर दूंगा सपना कि बिन ब्याह से दूर और तुझको हटाना पड़ेगा ए बुढ़िया बिन ब्याह से दूर और मिटाना पड़ेगा और मेरे नाम का ही तुम पहनो सिंदूर है राजेश के नाम का इसे तुम्हें मिटाना पड़ेगा आज और मेरे नाम का कंगना पहनना पड़ेगा कुत्ते कही गए तो चाल मेरी घाटी में कहीं नहीं हो सकता तो मेरे कब्जे में रहेगी तो राजेश खुद दौड़ता आएगा मुंशी रामदाल इसकी बाड़ी को गाड़ी पर ला दो और गुड़िया हाँ तुम परेशान मत हो अब तुम्हारा खतरा टल गया है अगर तुम इसी तरह कानून का साथ देती रहोगी तो इसी तरह तुम्हारे सारे दुश्मन मारे जाएंगे बहुत अच्छी बात है चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ आओ चलती है गुड़िया विराट कुमार दुर्जय सिंह गया है राजेश को गिरफ्तार करने के लिए लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया हमें तो शक हो रहा है एक बात कर कि कहीं हमारे साथ विश्वासघात न कर दे विश्वासघात नहीं हमका लागत वो खुद ही गिरफ्तार हो गए ऐसा अस्कुल साले मत बोल हमारा मन बोल रहा है तेरा मन गलत बोल रहा है वो मेरा दोस्त डाको दुर्जय सिंह है और मेरे बचपन का वो जिगरी साथी है वो राजेश को किसी ना किसी तरह से गिरफ्तार करके वो मेरे पास जरूर लाएगा चलो कुर्सी लगाओ हम उसके आने का इंतजार करूंगा है नजर खोल पाए आ गया राजेश है नजर खोल पहचान और देना तुझको है मुझे सारा कहे गुस्सा सारा दहेज सामान अबे बोल कितना दहेज मिलेगा बोल सारा
दहेज सामान बोल कितना दहेज तू लेगा। अबे चैन घड़ी मोटरसाइकिल या की हेलीकॉप्टर लेगा। या की तू सामान के बदले अबे रुपया पैसा लेगा। की तू सामान के बदले अबे रुपया पैसा लेगा। अबे या की तू घर घूर हमारी अबे खेती बाड़ी। तो फैसला जल्द करो अब। हाँ नदी में कुछ भी करो अब। अबे सुन दहेज के दानों, सुन दहेज के दानों। अबे बनना था दानों तुझको भगवान बनाया मानो। राम जादे पहचाना मुझे। ओ तो राजेश जेल से कब तू भाग कर आया। मार डाला साले, गांव के भोले भाले राजेश को तूने मार डाला। खत्म कर दिया वो रिश्ता साले। बड़े प्यार से मैं तुझे अपना बहनोई कहता था, लेकिन साले तू तो उस लायक है ही नहीं रे। मेरी बहन को मौत के घाट उतारने वाले दहेज के लोभी, दौलत के लोभी। दहेज नहीं पाया तो मेरी बहन को मौत के घाट। बोल कितना दहेज लेगा बे। मार मार कर साले चमड़ी खुरच कर रख दूंगा। बोल कितना दहेज लेगा। कुछ न चाहिए खाली इनका हेलीकॉप्टर दे दो, हम सब बैठ के चल दे यहाँ से। बोल बोल मेरी बहन को क्यों मौत के घाट। राजेश अब तुम मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी को बख्श दो। तेरी जिंदगी को बख्श दे, बख्श देंगे। हराम जादू मरने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। भागने की कोशिश किया और अगर उंगली हरकत कर गई तो बंदूक की निकली गोली तेरे शरीर को छलनी कर जाएगी। बादल सिंह एक मिनट, मनी ऑर्डर आवा। कहाँ से भाई? मनी ऑर्डर बगल में रहीन दाई के चलेगी। बोल बस। मनी ऑर्डर यही है, ये 20 रुपया दे कह रहे। ये का साले चोर का
एक एक कपड़ा उतार के मारो, पैसा ले लियो और हका मारो हमका जो है जाए दियो। 112 भैया 112 हमका जाए दियो। राजेश अगर तूने मुझ पे गोली चलाया तो तुझे बहुत बड़ा पाप होगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ दहेज के लोभियों, नंबर एक और नंबर दो और बारी इनको गिराओ ना ऐसे धर बहन, तू क्या कह रही है? अरे ये तेरा दुश्मन है, दुश्मन इसी हरामजादे ने तुझे मौत के घाट उतारा है और तू अपने दुश्मन को ही बचाना चाहती है। देखा हरामजादे, देखा जिसको तूने मौत के घाट उतार दिया आज भी वही तेरी हमदर्द है कि देख इस पर किया है तू कितने सितम। देख इस पर किया है कितने सितम, ताप डाला इसे बनकर हत्तू दे रहम ताप। ढाल गर्दन कपन कर हतेरे खड़ी, ढाल गर्दन कपन कर तेरे खड़ी जिस पर तूने किया इतने हजूबा सितम। जिस पर अरे नौजवान साथियों कहे को उठ खड़े हो गए हो, हाँ जाना चाहते हो? सुबह हो गई, घर की याद आने लगी। जाओ जाओ जाओ, इसी जगह हम अपना खेल समाप्त करते हैं। नहीं, वो लोग कहीं नहीं जाएंगे राजेश। नहीं मारेंगे तुझे, नहीं मारेंगे। अरे माफ कर दो खता में खतावार हो, हो
होगा नहीं ऐसी गलती दोबारा करूंगा नहीं तेरी बहना कातिल अपने गलतियों का पश्चाताप कर हराम जादे अपने बहन के बचनों के खातिर मजबूर है एक भाई मैं तुझे अपने हाथों से सजा नहीं दूंगा नहीं भैया बल्कि समाज में तू खुद घुट घुट कर मरेगा बहना मुझे भैया कह दीजिए